प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेटारा मेन चौराहे पर तहसीलदार ने सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में अवैध निर्माण हटवाया। जानकारी के अनुसार कोररही निवासी माता बदल गौतम ने पक्का मकान बनाकर कुटाई पिसाई का कारखाना लगा रखा था, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत बेटारा गांव सभा के सैकड़ों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कुंडा को लिखित रूप से दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम मोहनलाल गुप्ता के निर्देश पर नायब तहसीलदार कुंडा, सीओ सदर, थाना अध्यक्ष एवं पुलिस टीम ने पहुंचकर लेखपाल की निशानदेही पर अवैध अतिक्रमण की पक्की दीवार जेसीबी द्वारा गिरवा दी। बताया गया है कि यह जमीन रामचंद्र मिश्र की है, जिस पर अवैध रूप से माता बदल ने निर्माण कर लिया था, जो न्यायालय में भी विचाराधीन है। कोई निर्माण नहीं था, वो टीना टप्पड़ रखा था, जिसको जो है विपक्षी ने या अतिक्रमणी ने रामचंद्र मिश्र की भूमधरी गाटा संख्या 468 में अवैध निर्माण कर रखा था। निर्माण नहीं बल्कि टीना टप्पड़ रख के कब्जा किया था और शेष बंजर भूमि पे उसने अवैध कब्जा किया। इसका मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एसडीएम कोर्ट ने सीमांकन करके पुष्ट किया था। न्यायालय के आदेश से समाधान दिवस के माध्यम से अधिकारियों की उपस्थिति में उसके अतिक्रमण को हटाया गया। कुल कितनी जमीन थी? ये सीमांकन रिपोर्ट के हिसाब से 20 कड़ी गुणे 30 कड़ी थी, जो है ये लगभग 2 लाठा गुणे 3 लाठा।